बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा, आज की हमारी वीडियो का मकसद आपको गूगल मीट की रहनुमाई देना है। बेसिकली गूगल मीट क्या होता है, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये तमाम चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। बेसिकली बेटा, गूगल मीट का मकसद मीटिंग क्रिएट करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कि आप सेम एक पूरी क्लासरूम क्रिएट कर लें और अपना सेम वीडियो सेम मैसेज एक से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें। इसके लिए और भी बहुत सारी ऐप्स यूज़ होती हैं, लेकिन गूगल मीट जो है बेसिकली गूगल की एप्लीकेशन है। इसे आप गूगल को ओपन करें या जीमेल ओपन कर लें। गूगल ओपन था लेकिन मैंने आपके लिए एक दफ़ा ओपन किया, ये गूगल ऐप्स की ऑप्शन मौजूद होती है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी गूगल ऐप्स खुल चुकी हैं, जीमेल, सर्च, यूट्यूब, प्ले स्टोर, इसके अलावा और जितनी ऐप्स हैं। ये बेटा आपके सामने गूगल मीट की ऑप्शन नज़र आ रही है, गूगल ऐप का आइकन। गूगल मीट पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये गूगल मीट का जो व्यू है ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर प्रीमियम वीडियो मीटिंग नाउ फ्री फॉर एवरीवन, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। जस्ट आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है तो आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन होती हैं, स्टार्ट अ मीटिंग और एंटर अ मीटिंग कोड। देखिए, अगर तो आप एक नई मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे व्यूवर्स को प्रॉब्लम आती है कि किस तरह मीटिंग स्टार्ट करते हैं, या कोई और पहले से मीटिंग स्टार्ट कर चुका है तो हम किस तरह ज्वाइन करेंगे, हम किस तरह उसे ज्वाइन करेंगे और अपनी क्लासेस ले सकेंगे या जो भी पर्पस हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसे कर सकेंगे। तो अगर तो मीटिंग किसी और ने क्रिएट की है तो आप यहाँ पर उससे उसका मीटिंग कोड लेंगे। जैसे पहले से कोड एंटर है, आप ये कोड एंटर करेंगे। देखिए, वो जो उसका लिंक होता है लास्ट डबल स्लैश के बाद जो डिजिट्स होते हैं इतने, वो अब मीटिंग कोड होता है। आप यहाँ एंटर करेंगे तो आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद नई मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पूरा एक प्रोसीजर करके दिखाते हैं, तो आप न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप जैसे ही न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास जीमेल आईडी लाजमी लगाओ। इस टाइम अल मुस्तफ़ा, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से लगा हुआ है ऑलरेडी जीमेल। हम इसे स्विच करके डिफरेंट और जो मेरे पास जीमेल आईडी मौजूद है, मैं उस पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अल मुस्तफ़ा से ही न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने एक मीटिंग क्रिएट की, ये आपके पास मीटिंग क्रिएट हो गई। आप जब तक अपना बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइन मीटिंग पे जाएंगे, आप एक न्यू मीटिंग जो है यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपकी एक न्यू मीटिंग क्रिएट हो गई। जैसे ही एक न्यू मीटिंग क्रिएट हुई, ये मोर डिटेल में जाके आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि ये लास्ट स्लैश के बाद ये मीटिंग कोड होता है, ये पूरा एक लिंक है https://meet.google.com/ के बाद ये वो मीटिंग कोड है जो आपने एंटर करके मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे वो ऑप्शन हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मीटिंग कोड के साथ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से एक मीटिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से जो है एक गूगल मीट पे गया और वहाँ से मैं एक न्यू मीटिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ। एंटर मीटिंग कोड में जाकर मैंने मीटिंग कोड एंटर किया, DMS-NVQB एंड द लास्ट वन इज IEH। जैसे ही मैंने ज्वाइन मीटिंग की तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएगी,
आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल कैमरा, यहाँ रिक्वेस्ट आई और यहाँ से एक और मेंबर मेरी मीटिंग में ऐड हो गया। बेसिकली वो भी अल मुस्तफ़ा के नाम से था। अगर मैं उसे स्विच करूँ अकाउंट का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, मीटिंग कोड मैंने एंटर किया जी यहाँ पे सेम, और मैं अगर स्विच करूँगा उसे तो वो किसी और आईडी से भी क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैंने एक नई मीटिंग क्रिएट की, दो मेंबर्स हैं, दो तीन तरीके जी। एक तो मेरा फेस आपको शो हो रहा होगा, अगर मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शो करवाना चाहूँ, अक्सर टीचर जिन्होंने स्लाइड तैयार की होती है वो लैपटॉप स्क्रीन से पढ़ाते हैं, यहाँ से लैपटॉप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेयर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है या जिससे आप कनेक्ट हैं वहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही होगी। आप किसी भी और प्रोफाइल को, किसी भी और डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।